नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉगर को कैसे गूगल वेब मास्टर टूल यानी गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करेंगे और उसे वेरीफाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका ब्लॉग दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दिख जाता है। हालांकि आपको जब आप सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर आकर भी आप अपना देख सकते हैं कि आपके ब्लॉग का एड्रेस ये है। इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ से हम इसे ओपन भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल हम यहाँ पर लिख देंगे तो इसमें हमें इस पर पहले वाले पर ही क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेंगे तो इसके बाद हमें यहाँ पर स्टार्ट नाउ करना है। यहाँ पर हमें लिंक डालना है, यहाँ पर जो डोमेन है यहाँ पर ये डोमेन डालना है जो मैंने आपको ये दिखाया है ये वाला, या फिर यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसे आप यहाँ पर ले आएंगे। जब आप इसे यहाँ पर ले आएंगे तो इसके सभी पैथ आपको हटा देने हैं। आगे से जो एड्रेस बार है सिर्फ ये देखिए इस तरीके से रखना है। कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ओनरशिप फोटो वेरीफाइड, एफिलिएटेड प्रोडक्ट डन हो गया। अब हम इसे डन कर देंगे। इसके बाद अगर और कोई आपको लिंक करना है तो यहीं से दूसरा कोई ब्लॉग है या वेबसाइट है तो लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि लिंक हुआ है या नहीं। ये देखिए डोमेन प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है, इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक से इसे चेक करने के लिए सबसे नीचे आ जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि आपने क्या लिंक किया है। ये देखिए यू आर ए वेरीफाइड ओनर एफिलिएटेड प्रोडक्ट, ब्लॉगर को आपने ऐड किया है, यहाँ पर आपको दिख जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।